दोस्तों, अगर आप भी म्यूज़िक के शौकीन हैं और आपको भी पियानो बजाने का एक अलग ही नशा है, तो दोस्तों आज आपके लिए हम लेके आए हैं पियानो के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इन पियानो को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के इस प्रोसेस में सबसे पहले पियानो के आउटर बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए हाई कॉस्टली प्लाईवुड का यूज़ किया जाता है। यह प्लाईवुड बहुत मजबूत और शाइनिंग वाली होती है। सबसे पहले इन प्लाईवुड को एक निर्धारित शेप में काटा जाता है, जिन पर कलरिंग प्रोसेस करके पियानो के आउटर बॉडी को तैयार कर लिया जाता है। प्रोसेस के बाद इस बॉडी में पीसीबी एम्पलीफायर प्लेट को फिट किया जाता है, जो पियानो के संगीत की आवाज को लाउड बनाती है। और इसी के साथ इसमें हाई क्वालिटी साउंड को भी एम्पलीफायर से अटैच कर दिया जाता है। इन सभी प्रोसेसिंग के साथ इसमें आउटर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग होल्डर को भी लगाया जाता है, ताकि लाउडली वॉइस को भी सुना जा सके। दोस्तों, इस फैक्ट्री में ये सभी काम वर्कर द्वारा स्वयं हाथ से किए जाते हैं। अगली प्रोसेसिंग में ब्लैक एंड व्हाइट कार्बेट प्लास्टिक द्वारा एफएल कीस को मोल्डिंग मशीन में पिघलाकर एक निश्चित शेप में तैयार किया जाता है। इन कीस को बनाने की प्रोसेस लगभग 236 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। इस प्रोसेस के बाद इन सभी कीस को कुछ वर्कर एंड कुछ ऑटो रोबोटिक मशीनों द्वारा एक साथ ज्वाइंट किया जाता है। जॉइंट होने के बाद इन्हें एक एक करके हाथों से पियानो बोर्ड में असेंबल किया जाता है। संपूर्ण असेंबलिंग प्रोसेस के बाद इस पियानो बॉक्स को प्लाईवुड की आउटर बॉडी में फिट किया जाता है, जिसके लिए वायर्स को भी एम्पलीफायर पीसीबी से अटैच कर दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद पियानो को अदर पार्ट से ढक कर पूरा पैक कर दिया जाता है। अब इस पियानो की शाइनिंग देने की बारी आती है, जिसके लिए कंपनी द्वारा एक विशेष केमिकल का यूज किया जाता है। अब एक कुशल वर्कर द्वारा हाथों से एवं कंप्यूटरीकृत मशीनों द्वारा इसकी सभी कीज की जांच की जाती है। इसकी साउंड क्वालिटी की टेस्टिंग की जाती है। सब कुछ सही पाए जाने के बाद इस पियानो को पैक करके सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में बनाया जाता है पियानो।